हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहानूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्लास 11th बायो का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको उसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट कर दिया है और लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा पढ़ाया था। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी को माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया, सो वी ऑलवेज यूज टू टेक दी एंटीबायोटिक्स। तो क्योंकि ये बैक्टीरिया कोर्स ऑफ है, तो इसके लिए भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है ना कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। बेसिकली हम माइकोप्लाज्मा के लिए जो पेनिसिलिन लेते हैं वो कॉम्बिनेशन में लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ ले लेते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन अब जो एंटीबायोटिक है इट इज़ वेरी ओल्ड वर्जन, अब ये ओल्ड वर्जन हो गई है। जनरली आजकल हम लोग क्लोरमफेनिकोल का कॉम्बिनेशन लेते हैं। कोई सिंगल एंटीबायोटिक जो है आजकल हम लोग नहीं लेते, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत आगे आ गया है। तो जनरली हमें एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता, एक से ज़्यादा का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोप्लाज्मा होते हैं, तो जनरली ये पेनिसिलिन के लिए इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, मतलब पेनिसिलिन इनको मार दे ये ज़रूरी नहीं है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेनिसिलिन जो है इनसेंसिटिव ही शो कर देती है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ जनरली हम फीवर में करते हैं। तो ये जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉज करता है, तो ये इसमें एरिथ्रोमाइसिन क्लोरमफेनिकोल दे सकते हैं। कई बार लोग इसे कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसमें ये लिखा है मेटाबॉलिक इनहिबिटर। तो पेनिसिलिन जो होती है जनरली वो ब्रेक डाउन करती है। पेनिसिलिन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है सेल वॉल और डीएनए और आरएनए पर। तो मेटाबॉलिक इनहिबिटर मतलब ये है कि अगर ये एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में है तो ये मेटाबॉलिज्म को शो कर देते हैं और स्टॉप कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस, डीएनए आरएनए का सिंथेसिस, सेल वॉल का सिंथेसिस। तो मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी का काम, बॉडी कैसे काम करती है। तो मेटाबॉलिक इनहिबिटर का मतलब ये है कि अगर आप ये एंटीबायोटिक खाएंगे तो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन क्लोरमफेनिकोल से माइकोप्लाज्मा की सेल एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो अगर सेल की एक्टिविटी ही बंद हो जाएगी तो सेल काम कैसे करेगा? तो नॉट इवन इन दी माइकोप्लाज्मा कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वी कैन टेक दी एंटीबायोटिक, बट आप ऐसे ही कोई भी एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। पहले आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, देन डॉक्टर विल एनालाइज दी सिम्टम्स, क्या क्या हुआ है पेशेंट को। तो सिम्टम्स निमोनिया के अलग अलग तरह के होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, डिप्लोकोकस, माइकोप्लाज्मा, देर आर एन नंबर टाइप्स ऑफ निमोनिया। आपको क्या लगता है हर निमोनिया की दवाई एक ही होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। निमोनिया के लिए आपको एक परफेक्ट एंटीबायोटिक लेनी ही पड़ती है। तो जब आपको निमोनिया हुआ है तो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस इन सब की दवाई क्या एक ही होगी? तो नो, क्योंकि हर एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन अलग होता है। एंटीबायोटिक जो होती है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है ये डीएनए आरएनए को डीनेचर करती है। तो कुछ सेल वॉल पर अटैक करती हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करती हैं, कुछ रेप्लिकेशन को रोक देती हैं। तो हर एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। तो कई बार डॉक्टर एनालाइज करने पर इनकेपेबल हो जाते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता, क्योंकि पेशेंट भी आजकल वियर्ड टाइप के होते हैं। कुछ पेशेंट आएंगे वो बोलेंगे निमोनिया है, तो कुछ बोलेंगे कि पेट में भी दर्द है। तो डॉक्टर इनसे क्या एनालाइज करे कि निमोनिया भी है और पेट में दर्द भी हो रहा है, क्योंकि निमोनिया में तो चेस्ट में पेन होता है, पेट में तो नहीं। तो डॉक्टर उसको कॉम्बिनेशन वाली दवा दे देगा कि ये नहीं तो ये सही, वो नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इससे कोई इन्फेक्ट तो नहीं होगा। तो स्ट्रेंड्स नहीं, क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन का जो डोज है वो प्रोपोर्शन में है। ये मैं नहीं कह रही कि आपको कभी किसी चीज़ का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो यही चीज़ पूछेगा कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है,
और एलर्जी जो होती है जनरली एंटीबायोटिक से ही होती है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है एंटीबायोटिक इज ए सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। तो कोई सब्सटेंस फंगस की प्रोडक्शन से बन रहा है तो ऑब्वियसली जब आप उसे खाएंगे तो बॉडी उसे फॉरेन समझेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। तो जैसे ही वो फ्लोक्सासिन खाते हैं पूरी बॉडी में रैशेज होने लगते हैं, रेड रेड से बॉडी स्वेल हो जाती है। अगर एंटीबायोटिक एलर्जी वाली खाते रहेंगे तो बॉडी शॉक में आ जाएगी और इससे डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए प्रोपोर्शन डॉक्टर के थ्रू इन बैक्टीरियाज या माइकोप्लाज्मा के लिए ऐसा दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि प्रोपोर्शन अगर ज़्यादा हो गया तो डेथ हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है और कौन सी एंटीबायोटिक नहीं लेनी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी किसी भी इन्फेक्शन के दौरान आप एंटीबायोटिक खाते हैं और अगर आपको थोड़ा भी अनईजी फील होता है, जैसे खुजली है, रैशेस है, इचिंग है, बर्निंग है, स्वेलिंग है, वॉमिटिंग है, फीवर है, मतलब एंटीबायोटिक एलर्जी है, डॉक्टर के पास जाइए, उसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए। ओके और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर होते हैं जो कि माइकोप्लाज्मा की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते हैं, ताकि आपका जो माइकोप्लाज्मा है ग्रो ही नहीं होगा, रेप्लिकेट नहीं करेगा। अगर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो वहीं अपना लाइफ साइकिल करके मर जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा माइकोप्लाज्मा का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो कि हमने आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई। सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू, बाय बाय।